दोस्तों आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज के समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा योगी सरकार के द्वारा बहुत बड़े दावे कर दिए गए हैं। दावे क्या हैं इसके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से पेपर की कटिंग आपको दिखाई गई होगी, पढ़कर सुना दिया गया होगा, लेकिन समझाने का प्रयास नहीं किया गया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 लाख भर्तियों का दावा किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है और यह आंकड़ा कहां से प्राप्त हुआ। आज के समाचार पत्र में जो लिखा हुआ है सबसे पहले हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी महकमों में भर्तियों का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। मार्च 2017 से अब तक उनके 3 साल के कार्यकाल में 3 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। करीब 85,000 से अधिक पदों पर अगले कुछ महीनों में नियुक्तियां होनी है। मेरा एक सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच रही है तो आप लोगों को उन तक मेरी आवाज को पहुंचाना है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि 2017 से लेकर 2020 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कितनी नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है इसका रिकॉर्ड दें, सबके समक्ष रखें। जो सपा शासन काल में भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ था, आधी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी, आधी अधूरी थी। उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके अगर आप वह श्रेय ले रहे हैं तो यह गलत है। आप अपने कार्यकाल में कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किए हैं, कितनी भर्तियां पूरी की हैं इसका रिकॉर्ड आप दीजिए, तब माना जाएगा कि आपने अपने कार्यकाल में पिछली सरकार से ज्यादा भर्तियां की हैं। खाना कोई और बना दे, खाने की थाली आपके पास पहुंचा दे, खुदा ना खास्ता कहीं चला जाए, कुछ हो जाए, उसी थाली को आप खा ले, तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ किया, खाना आपने बनाया, रोटी आपने बनाया, थाली आपने लगाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने वास्तव में भर्तियां की हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं, तो आप बताइए कि 2017 से लेकर 2020 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपने कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया, आपके निर्देश पर जारी किया गया, आपके कार्यकाल में जारी किया गया। अगर आप इसका रिकॉर्ड दे सकते हैं तभी मैं मानूंगा कि 3 लाख भर्तियों का श्रेय आपके ऊपर जाता है। आगे समाचार पत्र में लिखा हुआ है, आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, पूरा रिकॉर्ड दिया गया है। पुलिस विभाग में 1,37,253 भर्तियां, 54,706 भर्तियां बेसिक शिक्षा विभाग में, 26,103 लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से, 16,708 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, 14,000 माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से, उच्च शिक्षा के माध्यम से 4,615, चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, सहकारिता, वित्त, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा बड़े बड़े हेडिंग में लिखा हुआ है। आप लोग बताइए कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन की चर्चा कितने दिनों से है, विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ, अब जारी होने जा रहा है अक्टूबर के अंतिम 15 नवंबर के पहले, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बहुत पहले बताया गया था। राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन 2017 से जारी हो रहा है, समाचार पत्रों में कई बार छप चुका है, अभी तक पटल पर दिखाई दिया, जब 2022 का चुनाव आया तब पटल पर दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो चुनावों के समय भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं करना चाहिए। भर्तियों का विज्ञापन जब आपकी सरकार बने उसके 1 साल बाद आप जारी करिए, लेकिन जब चुनाव आए 1.5 साल बाकी हो तब आप विज्ञापन जारी करेंगे तो आधी भर्तियां पूरी होंगी आधी अधूरी होंगी उसका क्या मतलब है। जब चुनाव प्रचार का समय होगा, चुनाव प्रचार के दौरान आप कहेंगे कि हमने इतनी भर्तियां पूरी कर दी, इतनी अधूरी है, हमारी सरकार बनेगी तो भर्तियां पूरी कर दी जाएंगी, क्या पता आपकी सरकार बने या ना बने, क्या पता, कोई भी सरकार हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वह भविष्य जानता है, काम बोलता है। अगर आप भर्तियों का विज्ञापन समय से जारी करेंगे, समय से भर्ती पूरी कर देंगे तो वही आपका काम है, वही बोलता है, जुमला नहीं बोलता है। तो मैं शासन से
दरख्वास्त करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप भर्तियों का विज्ञापन समय से निकालें, भर्तियां समय से पूरी करें। आपने जो 180 दिन का टारगेट दिया है वह तो समय के साथ सबको मालूम चल जाएगा कि 180 दिन में भर्ती पूरी होती है नहीं। अभी तो समय है, सभी प्रतियोगी छात्रों को, युवाओं को, जो जो भर्तियों की तैयारी करते हैं उनको इंतजार करना चाहिए। इसमें कितना दम है समय के बाद पता चलेगा। लेकिन मेरा उन सभी पार्टियों से निवेदन है जो भविष्य में सत्ता में आती हैं, सत्ता में रहती हैं, भविष्य में क्या होगा या कोई देखा नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, चाहे सपा की सरकार आए, चाहे भाजपा की सरकार आए, चाहे बसपा की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, जो भी सरकार आए, जिसकी भी सत्ता हो, समय से भर्ती का विज्ञापन जारी करें, सरकारी नौकरियां निकालें। और जो आउटसोर्सिंग का मामला है, जो संविदा का हल्ला बोल है, जो सरकार चाहती है वर्तमान कि संविदा पर भर्तियां हों, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां हों, जो 30,000 सैलरी दी जाती थी उसे 12,000 में कन्वर्ट कर दिया जाए, आम जीवन व्यतीत करें, पढ़ लिख कर पकौड़ा बेचें, ये सब नीतियां नहीं होनी चाहिए, इसकी बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम योग्य हैं, हमारे पास योग्यता है, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो हमें अवसर दिया जाए। अगर हमारे पास क्षमता है, हमारे पास योग्यता है, तो हम परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, तब आप मानेंगे ना कि हमारे पास योग्यता है। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं परीक्षा को क्वालिफाई कर रहा हूं, तब तो आपको नौकरी देनी चाहिए। लेकिन आप संविदा, आउटसोर्सिंग वगैरह वगैरह पर आ गए हैं, ये सब क्या है? मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं, ये सब नीतियां बेकार हैं मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।